मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। देश भर में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के संकेत दिए हैं। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 29 और 30 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली अंसार समेत उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के संकेत दिए हैं। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 29 और 30 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में होगी बूंदाबांदी। देश की राजधानी दिल्ली में आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, हालांकि मौसम साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 22 एवं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं 29 जनवरी को बूंदाबांदी होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान कम होकर महज 17 डिग्री पर सिमट सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके बाद 30 और 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। दिल्ली में जनवरी के महीने में अब कोहरे के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है, सुबह के समय कोहरा और आसमान में धुंध देखने को मिल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में 29 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 30 जनवरी को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लखनऊ में 30 जनवरी को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदल रहा मौसम। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा पंजाब से होते हुए हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए विदर्भ तक जा रही है। वहीं ताजा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज 28 जनवरी को पश्चिम हिमालय तक पहुंच सकता है, जिसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान 29 जनवरी को जम्मू कश्मीर, मुजफ्फरनगर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की उम्मीद है। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में 29 जनवरी से न्यूनतम तापमान बना रहेगा। इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज बर्फबारी भी दर्ज की जा सकती है। इसी बीच 29 और 30 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। 28 और 29 को राजस्थान में और 29 जनवरी को दिल्ली में इसी तरह की मौसम की स्थिति बनी रह सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज तेज हवाएं चलेंगी और साथ ही धूप निकलने की चेतावनी जारी हुई है। यहां होगी तेज बारिश। आईएमडी के अनुसार 29 और 30 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 30 जनवरी तक राजस्थान के तमाम इलाकों में बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। 29 और 30 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए।